ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको। सुन लो ऐ दुनिया के लोगों, देने तुमको निजात। बरकतों की बारिशें, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो इकलौते बेटे को दिया, देने हमको जीवन इकलौते बेटे को दिया। ईश्वर ने इस जगत से, ईश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, देने हमको जीवन इकलौते बेटे को दिया। पाप की कैद में थे, यीशु ने हमको छुड़ाया। बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको। खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन।
देखो ऐ दुनिया के लोगो, 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 तुम यीशु का प्यार, तुम यीशु का प्यार, देने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान, देने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान, देखो ऐ दुनिया के लोगो, देखो ऐ दुनिया के लोगो, तुम यीशु का प्यार, देने तुमको जीवन उसने दी है अपनी जान, हम तो घिरे मौत की कैद में थे, यीशु ने हमको बचाया, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, सुन लो ऐ दुनिया के लोगों, सुन लो ऐ दुनिया के लोगों, सुन लो ऐ दुनिया के लोगों, देने तुमको निजात, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, बरकतों की बारिशें वो देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना होता जो जीवन देता हमको, खत्म ना हमारे शरीर की अन्न पाचन क्रिया शरीर में स्थित जठराग्नि द्वारा होता है जो शरीर के लिए योग्य होती है। इस जठराग्नि के सहारे बनने वाला पाचक पित्त गुणात्मक होता है। जब पित्त की द्रवता बढ़ती है तभी अम्ल पित्त अथवा एसिडिटी की परेशानी होती है। बासी, खराब, कड़वा, खट्टा, ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला, जलेबी आदि पदार्थ, खट्टा दही आदि का लगातार सेवन करना, बार बार खाते रहना, भूखा रहना, खाने के तुरंत बाद सो जाना, खाना खाते समय ज़्यादा पानी पीना, ऐसे कई कारणों से पित्त होकर अन्न नहीं पचता। खट्टा, तीखा, डकार आना, सीने में जलन होना, गले में जलन होना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, पेट भारी होना, पेट दर्द, सिर दर्द, सीने में दर्द, जुलाब होना, घबराहट महसूस होना, धड़कन की गति बढ़ना आदि अम्लपित्त यानी एसिडिटी के लक्षण है। दही का बर्तन ठीक से साफ नहीं करना, फिर दूध डालने से दूध खट्टा होता है। इसी प्रकार इस बीमारी में सादा खाना खाने के बावजूद भी जलन होती है जिससे अम्लपित्त एसिडिटी होता है। कुछ लोगों को उल्टी आने के बाद राहत महसूस होती है। इसी को आम बोली में पित्त गिराना कहते हैं। हथेली, कनपट्टी, सिर में गर्माहट पैदा होना, मामूली बुखार, पूरे बदन में खुजली, शरीर की त्वचा लाल पड़ना, ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। आधुनिक शास्त्र के अनुसार हाइपर एसिडिटी के मुख्य कारणों में अल्सर, अत्यधिक धूम्रपान एवं मद्यपान, मानसिक तनाव, चिंता, जागरण,
अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि का समावेश है। तिल, उड़द, लहसुन, ज़्यादा नमक, दही, नया चावल, जले हुए तीखे पदार्थ न खाएं, दिन में न सोएं, योग्य इलाज की सहायता से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। अपने लोग
रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस 1:24-25 में देखते हैं। यहां लिखा है कि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हम सब एक घास की नाई है, जिसकी शोभा कुछ दिनों के लिए है और वो घास एक दिन सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा जिंदा रहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें दिया है, जो एक सत्य है। हम देखते हैं कि लोग आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते और हम देखते हैं कि वो लोग उनसे दूर जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि एक दिन वो घास की नाई सूख जाएंगे, फूल की नाई मुरझा जाएंगे, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हर एक चीज कायम रहेगा। मेरे मित्रों, यदि हमारे मन परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव के प्रति खुले रहे, तो हम प्रकृति की सरल और सुंदर वस्तुओं से सबक सीख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति से प्रकृति के सरल सुंदर वस्तुओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भीड़ वाले नगरों में हम सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहां आंखों के देखने के लिए मकानों के सिवा और कुछ नहीं है। फूल हमारे लिए अनंत शिक्षक है। झाड़ियां और फूल अपने लिए भूमि और वायु से ऐसी वस्तुएं एकत्र करते हैं जिन्हें वे हमारे आनंद के लिए सुंदर कलियां खिलते फूलों को पूर्ण करने में लगा देते हैं। परंतु ये परमेश्वर के प्रचारक है। हमें उन पाठों पर विचार करना चाहिए जो वे हमें सिखाते हैं। मेरे मित्रों, हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज शहरीकरण के कारण हर एक जगह आपको बड़े बड़े मकान दिखेंगे, पेड़ पौधे फूल पत्तियां पक्षियां आज हमसे दूर हैं। हमारे छोटे बच्चों को यह पता नहीं कि चिड़िया कैसे गाना गाती है और फूल कैसे दिखता है। आज जंगलों का विनाश हो रहा है, हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को अपनी सुंदर वाटिका में रखा, जहां फल फूल पेड़ सब कुछ थे। उसी तरह से परमेश्वर ने अपने पूरे वचन की मूल्यवान प्रतिज्ञाएं दी है,
सुगंधित फूलों की तरह पूरी वाटिका में खिलती है। परमेश्वर हमारा ध्यान उन्हीं की ओर खींचता है जो हमारे लिए उचित है। इन प्रतिज्ञा में हम परमेश्वर के चरित्र को पहचान सकते हैं, हमारे लिए उसके प्रेम को पढ़ सकते हैं। यह वो भूमि है जिस पर हमारा विश्वास आधारित है, जो हमारे विश्वास और आशा को संभालता और बल देता है। इनके द्वारा हमारे प्राण परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। स्वर्ग की खुशबू की सांस हम ले सकते हैं। मूल्यवान प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो भविष्य से पर्दा उठाता है, उन वस्तुओं की झलकियां देता है जिन्हें उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हमें इन्हें लापरवाही या महत्वहीनता से नहीं लेनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार हम वो मूल्यवान फूलों की जांच करते हैं, उनकी मनोहरता और खुशबू से अपने ज्ञानों को आनंदित करते हैं, उसी तरह हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेना चाहिए, एक एक करके निकट से उनकी जांच करनी चाहिए, इनकी सुंदरता को इधर उधर से जांचना चाहिए। इनके द्वारा शांति, तसल्ली, उत्साह और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर ने प्राण की आवश्यकता के लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया है। ये मितहीनों के लिए, गरीबी से पीड़ितों के लिए, अमीरों रोगियों के लिए, सबके लिए, सबको उनकी उचित मदद मिल सकती है यदि वे विश्वास के द्वारा इन्हें देखें, पकड़े रहें। हमारे जीवन के उखड़े मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए वह हमारे पूरे पथ पर आशीषों बिखेरता है। हम धन्यवादी दिनों से परमेश्वर से प्रेम के सब आराम और निशानों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है, जो कि मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कि आप आज अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे उस महान प्रेम के लिए जिद ने हमसे किया है। हम जानते प्रभु कि हम घास की नाय हैं, हम उस फूल की नाय हैं जो मुरझा जाती है, और प्रभु हम कुछ भी नहीं, फिर भी तू हमसे प्रेम करता है। और तूने अपना वचन हमें दिया है कि हम उससे सीख सके और उस पर चल सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतजार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने लोगों के लिए।
श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।